की जनता की ओर से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू कि आपने मुझे जन्मदिन की बधाई दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज सिणंदरी आप पधारे, आगे किन किन गांवों में आपका प्रोग्राम है जो जन्मदिन? आज सेवा ही संगठन के नाते पार्टी का जो कार्यक्रम हमेशा हमें जो दायित्व मिलता है उसी के तहत मैं अभी सिणंदरी आया हूँ, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया है। इसके बाद में गौ माता की सेवा के लिए हरा चारा और गुड़ देने के बाद में मेरा ये सिणंदरी मंडल है और सिणंदरी मंडल के बाद में पादरू मंडल जाऊंगा, पादरू मंडल से सिवाना मंडल और सिवाना मंडल के बाद में समुंदरी मंडल में कार्यक्रम आज शाम को 7 बजे तक का अजीत है, समुंदरी स्टेशन है, अपने काटाड़ी है, पादरू है और ये सारा कार्यक्रम और सिवाना सब जगह कार्यक्रम आज का दिन पूरा दिन जो है इस जन्म दिवस के कार्यकर्ताओं को मिलना और गौ माता के कार्यकर्ताओं ने जो सारा ये फंक्शन सब जगह रखा है इसलिए मैं कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ। इस बार में मिलना भी हो जाता है, गौ माता के लिए सेवा भी हो जाएगी और सब कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। बालाजी के चरणों में वंदन। आज कार्यकर्ताओं द्वारा गौ माता की सेवा के लिए और सब आप पधर है सबको पहले तो मैं हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इस बालाजी के हनुमान अखाड़े में सब पधार कर मुझे एक साधारण व्यक्ति को उत्सववर्धन करने के लिए जन्मदिन की बधाई देने के लिए आप पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम में अजय हुए भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष आदरणीय निवाराम जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के किसान मोर्चा के हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता जो अभी किसान मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय जयराम जी प्रजापत, स्थानीय सरपंच जबर सिंह जी, जन हुए और वास्तव में एक बुजुर्ग नेता और जनसंघ से भाजपा में जुड़े हुए भाई देवीलाल जी, जिनगर समाज से हमेशा हम यहां आते थे तो गंभीराम जी बासा हमेशा भारतीय जनता पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे, उनको याद करता हूं और वास्तव में मेरे साथ में पधारे हुए प्रेमाराम जी बिश्नोई जी, उत्तम सिंह जी राजपुरोहित, बहन पंचायत समिति सदस्य ममता जी, पंचायत समिति सदस्य पैकेताराम जी और के सिंह जी, नाम कोई है जोड़े नाम इतनी एक ही है, जिला परिषद युवा अध्यक्ष और जिला परिषद सदस्य भाई हंसराज जी, महामंत्री पवन जी, जोगिंदर जी और एक मैं उन्हें मोबाइल वालों एडिटिंग इसको भाई भरत जी, शेर शाह बाबूलाल जी, बिराजवाड़ा जामताराम जी, के सिंह जी, पप्पू सिंह जी, भाई गोविंद, अमर सिंह जी और सगला बिराजवाड़ा, गंभीराम जी तुम्हारे मूल जी ने, माला राम जी ने, अली भाई बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में जो काम कर रहे हैं सबको धन्यवाद देता हूं। आप आज पधारे, अभी जयराम जी चीजें की अब की बार वास्तव में मैं ईमानदारी से कह सकता हूं पूरे राजस्थान पूरे भारत गांव और ढाणी तक कोरोना काल में ये आफत आई थी भारत में, अभी तीसरी लहर के भी अपन सुन रहे हैं पर इन दो लहरों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साधारण से साधारण जो कार्यकर्ता था जो कितना कर पाया वो सेवा भाव के रूप में इस संगठन की मर्यादा को लेकर जितनी सेवा कर पाया, चाहे दो जनों को नाश्ता भी करवाया, किसी के लिए मेडिकल दुकान तक जाकर दवाई ला के भी दी, पानी की बोतल ला के भी दी,
मैं पूरे भारत की जनता को धन्यवाद दूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक आवाज के साथ में पूरे भारतीय जनता पार्टी के सेवा भाव में संतन के रूप में लगे और सेवा की, इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस दो चीजें अति आवश्यक है जिंदगी के अंदर। शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है, शिक्षा के साथ में चिकित्सा भी जरूरी है। पर यह कई बार ध्यान में आता है कि जब ये आफत आई तब कि हॉस्पिटल में कई तरह की सुविधा नहीं होती है, पर अब जब ये महामारी जब आई उस समय में ये दिमाग में आया कि वेंटिलेटर भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, एक्सरे मशीन भी चाहिए, एम्बुलेंस भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए, तो इसके लिए अपन को बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि अपन एक तो खुद का ध्यान रखें। अभी भी ये महामारी मिटी नहीं है, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा कि आप इसको कम से कम इतना ध्यान रखना जरूरी है। तीसरी लहर चली जाए, साल भर चलेगा, उसमें अपन पूरा ध्यान रख के प्रयत्न करेंगे, खुद की सावधानी के साथ में दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। अभी मुख्यमंत्री जी का टेलीफोन था, उनका आह्वान भी यही था कि आप तो जनता से जुड़े हुए जरूर हो, पर जनता को भी निवेदन और प्रार्थना करें कम से कम अवेयरनेस करें, सावधानी रखें, अभी भी कोरोना गया नहीं है। तो मेरा आप लोगों को भी धन्यवाद रहेगा। अभी जो पवन जी और उमाराम जी जो कह रहे थे काम के लिए, काम तो कितना हो पाता है, अपना प्रयत्न करने की आवश्यकता जरूर है और मन में ये संतुष्टि होनी चाहिए, और मैं हूं कि आप लोगों ने दायित्व दिया और मुझ पे जो एहसान किया था उसका जो मैं गांव ढाणी तक हर विभाग विभाग वाइज योजना की सरकार तक पहुंचू लाने की कोशिश करूं, ये जरूर है कि अभी सरकार नहीं है तो काम थोड़ा अपना वैसे पूरे राजस्थान में नहीं हो रहा है। अब आर जयराम जी कह रहे थे कांग्रेस के भाई है वो भी, अब हम ज्यादा महिला थोड़ा खुला नहीं कर सके, खुला रो नहीं सके, मतलब ये स्थिति उनकी भी है। परंतु मैं ये जरूर कहूंगा कि काम जो भारत सरकार ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो इस भारत के लिए राष्ट्र के लिए जो गाइडलाइन ली है, दोस्तों मैं कोई वर्ग का नुकसान करने वाला नहीं, मेरा विचार नहीं, पर तो ये जरूर कहूंगा कि इस राष्ट्र को काम करने वाला है, इस भारत भूमि को पूजने वाला है, भारत भूमि को माता मानने वाला है, वही भारत के लिए अति आवश्यक है। अपने विचार ऐसे सुदृढ़ रखें, और आपको ध्यान होगा नरेंद्र भाई मोदी जी ने ऐसे मतलब मेरा भारत मान बने, एक दिन वो भी था, एक दिन वो भी था, आपको ध्यान है, हर रोज आतंकवादी तरफ से ग्रस्त थे। बहाड़गढ़ जिले के अंदर शिवाड़ा विधानसभा सत्र के लोक लाडले विधायक आमिर सिंह जी बायल, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ 100वें जन्म दिवस पर, कि आपके द्वारा जनता के बीच में आपके द्वारा किए गए कार्य का परिणाम आप लगातार दूसरी बार विधानसभा में आप और हम सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आशा करते हैं कि आप जिस प्रकार से इस शिवाड़ा का मान और सम्मान इस राजस्थान की विधानसभा में बढ़ाया है, और हमें पूर्ण भरोसा है कि आप इसी प्रकार अगली बार अपना राजस्थान में अपनी सरकार आने वाली है, कोई दोहराए नहीं है। मैं मेरे युवा साथियों और पिता तुल्य बुजुर्गों से आह्वान करता हूँ, आप और हम सब मिलकर आज राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार द्वारा नाकामयाब जिस प्रकार सरकार हरकतें कर रही है, जिस प्रकार युवाओं को 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ते में से लाकर क्या क्या कार्य किया है, वो आप और हम सबसे एक अनपसंद नहीं है। तो मैं एमएलए साहब को कहना चाहूंगा कि आपने हमारे युवाओं के लिए बहुत इस क्षेत्र के अंदर जैसी समस्याओं का समाधान किया, कि मैं खुद एक छात्र प्रतिनिधि होने के नाते, मैं श्रीनगरी महाविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते, मैं एक निजी महाविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष हूँ, क्योंकि मैंने पूरा प्रयास किया था कि श्रीनगरी के अंदर राजकीय महाविद्यालय हो। मैंने कम से कम 10 से 15 आंदोलन किए श्रीनगरी के अंदर, परंतु किसी भी नेता ने हमारा सपोर्ट नहीं किया। माननीय बहाड़गढ़ जिले के अंदर एकमात्र नेता थे वो शिवाड़ा के लोक लाडले विधायक थे आमिर सिंह भायल ने, दूसरे दिन राजस्थान की विधानसभा के अंदर मामला उठाया कि हमारे श्रीनगरी के अंदर दूर दराज से कम 50 से 60 किलोमीटर के दायरे के अंदर राजकीय
नाम निकल रहा है, इसका मतलब लग रहा है कि अगली बार स्टेप है,